हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक कंटेंट मैं और लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि मैं आज आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आपने देख ही लिया है, ये हमारे पास एक ओप्पो का A53 मॉडल है, जैसा कि आप यह देख सकते हो। और ये पैटर्न लगा हुआ है, किसी यूज़र ने इसका पैटर्न भूल चुके हैं। तो हम इसके पैटर्न को इजीली तरीके से रिमूव करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअल में रिमूव होता है कि नहीं होता है। सारी चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि आपके एंड्रॉयड के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये काम होता है कि नहीं होता है। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, विदाउट कंप्यूटर मैं कोई भी पीसी का यूज़ नहीं करूँगा और यहाँ पर इसकी अनलॉकिंग करने की कोशिश करेंगे लाइव। तो अब ये देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये कन्फ्यूज़ है कि कौन सा मॉडल है, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, ये हमारे पास है ओप्पो का A53। तो इसको एक्चुअल में आपको देखना है तो आपको *#899# करना है और आपको यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसका CPH1933 है। तो आप इसको सर्च करेंगे गूगल में तो आपको इसका मॉडल पता चल जाएगा, CPH1933। तो आप हमारे चैनल में, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फ़ोन को आपको प्रॉपर ऑफ कर लेना है और इसकी वैल्यूम अप डाउन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसकी पावर की, तो तीनों को आपको एक साथ प्रेस करना है या वैल्यूम डाउन दबा के। तो जाहिर सी बात है, एक बार तीनों को ही एक साथ प्रेस कर लो। तीनों को मैंने एक साथ प्रेस कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों को, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीनों को प्रेस किया और पावर की को हमने हटा दिया, और वैल्यूम डाउन दबा करके प्रेस करके रखना है आपको फ्रेंड। ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे ये देखिए आ चुका है इंटरफेस, हमारा इंटरफेस आ चुका है। अब हमें जो भी लैंग्वेज आपको पता होगा, चाइनीज़ या इंग्लिश, मुझे तो इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वाइप डाटा का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड। ये आपके एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर निर्भर करता है, बाकी मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। नहीं होगा तो फिर जो भी मेथड है, इसमें UFS चिप लगी हुई है, क्वालकॉम CPU है, तो इसको अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मैं वाइप डाटा करने जा रहा हूँ, जो उसमें पैटर्न लगा था, क्या एक्चुअल में बाईपास होता है कि नहीं होता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइव। तो मैं वाइप डाटा करते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं वाइप डाटा यहाँ पे लिख रहा है प्लीज इंटर वेरिफिकेशन कोड। तो ये जो कोड है फ्रेंड, ये कोई जो यूजर का कोड नहीं है, ये आपके एंड्रॉयड के ऊपर निर्भर करता है। और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 2653 जो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि किसी यूजर का कोड है या वाइप डाटा कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 2653 को इंटर कर देंगे और ये हमारा फोन ईजिली तरीके से हार्ड रिसेट हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, अगर आप दोबारा इसको रिस्टार्ट करेंगे तो कोड फिर से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यही कोड बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे 2653 इंटर कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं फ्रेंड, और आपका ये जो फ़ोन है वो आपका पूरी तरीके से यहाँ पे वाइप होगा। देख सकते हैं यहाँ पे वाइप डाटा के लिए फॉर्मेट के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर्मेट, और इजीली तरीके से देखिए फ्रेंड हमारा ये फॉर्मेट हो रहा है। तो आप हमारे चैनल में स्मार्ट टेलीकॉम, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहेंगे। तो मैं आपके सामने फ्रेंड ये लाइव भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, वाइप डाटा हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको रिस्टार्ट होगा। तो रिस्टार्ट होने के बाद हमारा ये जो प्रॉब्लम, जो हमारा पैटर्न था, बिना किसी कंप्यूटर, मैंने कोई भी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया है, और ये हमारा इजीली तरीके से वाइप हो चुका है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल ट्राई करिए, आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। क्योंकि देखिए मैं तो लाइव ही कर रहा हूँ, मेरे अगर नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, मैं वहीं पर स्टक हो जाता या फिर वीडियो को ही नहीं डालता। बट यहाँ पर वाइप डाटा हो रहा है, रिसेट एक कोड आ रहा था, जिस ज़्यादातर रियलमी में आपको देखने को मिलता है, ओप्पो और रियलमी में देखने को आपको मिलता है फ्रेंड गाइस। तो ये आपके सामने मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, और इसकी जब फिर ये स्टार्टअप पे आ जाएगा, स्टार्टअप पे जैसे ही आ जाएगा थोड़ा सा इसमें वेट लगेगा, क्योंकि ये हुआ है फॉर्मेट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड। और जैसे ही ये खुल जाता है, ये मैंने जैसा कि बोला था कि बिना कंप्यूटर के मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, ये वही फ़ोन है, ऐसा कि नहीं है मैंने फ़ोन भी चेंज कर दिया है, ये वही फ़ोन है आपके सामने, ये सारी चीज़ें लाइव है, वो कोई भी फेक वीडियो मैं अपने चैनल में नहीं डालता फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं, आप बिल्कुल ट्राई करें, और ये आपका सामने ही हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा हो चुका है। अब हमें सीधा और इसकी इमरजेंसी कॉल पे जाना है, और आपको कोई भी सेटअप को आगे नेक्स्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे *#813# इंटर आप करेंगे तो आपका फ़ोन चुटकी में अनलॉक हो जाएगा। बिना कंप्यूटर के आप देख सकते हैं आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, मैंने डाटा केबल का भी यूज़ नहीं किया है। आप बिल्कुल इस ट्रिक को ट्राई करें और देखिए कि आपका अनलॉक होता है कि नहीं होता है। ये फ़ोन हमारा प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्मार्ट टेलीकॉम को।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।